करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं। उस काम में लगा। अब आपके मन में तुरंत एक प्रश्न आएगा कि भोजन के अंत में क्या पीना, फिर पानी तो नहीं पीना, डेढ़ घंटे तक तो नहीं पीना, तो कुछ पी सकते हैं। तो भागवत जी ने तीन चीजें बताई, उसके लिए पूरा सूत्र लिखा है कि भोजन के अंत में सबसे अच्छी चीज जो पीने के लिए है वो है छाछ, वो है मट्ठा, दही का तक्रम। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया वो तक्रम, तक्रम माने यही है लगभग, छाछ मट्ठा के आसपास की चीज तक्रम। वैसे तक्रम की उन्होंने परिभाषा दी है कि दही को खूब अच्छे से मथने के बाद उसका मक्खन जो निकल गया, तो मक्खन निकालकर जो बचा वो तक्रम, मक्खन रह गया तो वो लस्सी। लस्सी पीने के लिए नहीं कह रहे, तक्रम की बात है। तो आप भोजन के बाद जो सबसे अच्छी चीज पी सकते हैं वो है छाछ, वो है मट्ठा। मट्ठा शब्द एकदम अच्छा है, हिंदी का शब्द शायद आप सब समझते हैं, गुजराती हैं तो छाछ आप अच्छे से समझते हैं। तो छाछ पिए हैं या मट्ठा पिए हैं, ये सबसे अच्छी चीज। दूसरी सबसे अच्छी चीज उन्होंने बताई है वो है दूध, दूध दूसरी सबसे अच्छी चीज। और तीसरी सबसे अच्छी चीज बताई है फल का रस, कोई भी फल का रस, लेकिन वो कह रहे हैं मौसमी फल का रस, जिस मौसम में जो फल आता है उसका रस, माने मौसम के विरुद्ध के फल नहीं। आज का मौसम आम का नहीं है तो आम का रस अभी पिए तो नहीं चलेगा, आज का मौसम गन्ने के रस का है तो गन्ने का रस ही पिए। थोड़े दिन के बाद संतरे के रस का मौसम आ जाएगा तो संतरे के रस का। भागवती जी कहते हैं कि जो चीज प्रकृति ने जिस समय में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराई हो उसका रस। तो आप ये कहें कि कोल्ड स्टोरेज से लाया हुआ संतरा और उसका रस निकाला या मौसमी रस, ये सर्वनाश करेगा, सत्यानाश नहीं सर्वनाश करेगा। वो ये कहते हैं कि भगवान ने और प्रकृति ने आपके शरीर के हिसाब से सारी चीजों को सेट किया है, और वो कहते हैं कि भगवान ने इस प्रकृति को बनाया है तो बहुत ही सोच समझ कर बनाया, एक एक माइक्रो कैलकुलेशन उसने किए तब आपको ये प्रकृति के साथ उसने रखा है। तो प्रकृति में जब जो चीज बहुत मात्रा में हो उसी का रस, जैसे अभी टमाटर का सीजन है तो आप भोजन के बाद टमाटर का रस पी सकते हैं भरपेट। इस समय गन्ने के रस का सीजन है तो भोजन के बाद आप गन्ने का रस भरपेट पी सकते हैं। जो भी अभी थोड़े दिन में अंगूर का सीजन आ जाएगा तो भोजन के बाद अंगूर का रस पी सकते हैं, संतरे का, जब जब जो सीजन आए वो ध्यान रखना है। अब इसमें आगे एक सूत्र है वो बहुत महत्व का है। भागवत जी कहते हैं मट्ठा या छाछ कब पीना, दूध कब पीना, रस कब पीना, तो उसके लिए उन्होंने बहुत स्पष्ट और बहुत जोर देकर यह कहा है कि मट्ठा हमेशा दोपहर के भोजन के बाद ही पीना, सामान्य लोगों के लिए, असामान्य लोगों के लिए बाद में बताऊंगा, जो सामान्य लोग हैं आपके मेरे जैसे, मट्ठा हमेशा दोपहर के भोजन के बाद ही पीना और दूध हमेशा रात के भोजन के बाद ही पीना। दूध माने शाम को 6-7 बजे के भोजन के बाद ही पीना, और जूस हमेशा सुबह के भोजन के बाद ही पीना। सुबह का भोजन माने नाश्ता, भागवत जी ने नाश्ता शब्द कहीं नहीं इस्तेमाल किया है, सुबह का भोजन आप उसको नाश्ता कैसे, तो सुबह के भोजन के बाद जूस, दोपहर के भोजन के बाद मट्ठा और रात के भोजन के बाद दूध। और वो ये कहते हैं आगे के सूत्र में कि इनका क्रम उल्टा सीधा मत करना कभी, माने सुबह के भोजन के बाद दूध पी लिया, रात के भोजन में जूस पी लिया या मट्ठा पी लिया, वो कहते हैं ये उल्टा क्रम आप मत करना। क्यों नहीं करना, तो आगे वो एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो ये है बहुत महत्व का कि हमारे शरीर को मट्ठे का पाचन होने के लिए जो रस की जरूरत होती है, रस माने एंजाइम, जो एंजाइम या रस की जरूरत होती है वो दोपहर को ही होते हैं पेट में। इसी तरह हमारे शरीर में दूध का पाचन होने के लिए जो रस की जरूरत पड़ती है या एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो सूर्यास्त के बाद ही होते हैं, या सूर्यास्त के समय ही उनकी उत्पत्ति शुरू होती है।
और जो रस और एंजाइम की जरूरत जूस पचाने के लिए है वो सुबह ही होते हैं। इसलिए आप नियम बना लो, ब्रेकफास्ट में जूस, लंच में मट्ठा छाछ और डिनर में दूध। बच्चों को भी यही नियम, बड़ों को भी यही नियम। अब आप कहेंगे हमारे बच्चे तो स्कूल जाते हैं दूध पीकर जाते हैं, तो बदल दो, जूस पीकर भेजो या पिलाकर भेजो। और आप कहेंगे जी पिएंगे नहीं, आप जैसी आदत डालेंगे बच्चे वैसे ही होने वाले हैं, क्योंकि बच्चे अपने से कुछ नहीं सीखते, वो आपका सिखाया हुआ है सारा कुछ। तो अब तक आपने बच्चों को दूध पीने की आदत डाली है, आज से माफी मांग लो कि गलती हो गई हमसे, अब हम आपको चाहते हैं कि आप जूस पी के जाओ। क्यों जाओ तो उनको ये बात समझाओ, शायद समझ जाए, वो भी समझ जाएंगे तो उनकी भी जिंदगी में ये परमानेंट हो जाएगा। सुबह के नाश्ते के बाद जूस पीना, दोपहर के भोजन के बाद मट्ठा, रात के भोजन के बाद दूध, ये सूत्र है। अभी इसके आगे का सूत्र, बागवत जी कहते हैं कि आप खाने के डेढ़ घंटे के बाद पानी पिए, क्योंकि जठर के अग्नि के प्रभाव में खाना डेढ़ घंटे तक रहता है। तो पानी कैसे पिए, कैसे पिए पानी? तो हमारे यहां पानी पीने के बहुत तरीके हैं। लोटा मुंह से लगाया, गटगट गटगट उतार लिया, गिलास मुंह से लगाया, गटगट गटगट उतार लिया, क्या ये तरीका? तो बागवती जी कहते हैं नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत है पानी पीने। वो कहते हैं कि पानी को चुस्कियां ले लेकर पिए, घूट भर भर के पानी पिए, सिप ले लेकर पानी पिए, ऐसा पानी पीने का नियम। जैसे आप गर्म दूध पीते हैं ना, बागवती जी बिल्कुल उसके समकक्ष रखते हैं कि गर्म दूध आप ऐसे पीते हैं एक एक सिप या चुस्की लेकर घूट भर के, ऐसे ही पानी पिए। अब ये क्यों, ये समझ लें। आप एक साथ पूरा पानी उतारें गले के नीचे और एक एक घूट पानी उतारें गले के नीचे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है, मैं आपको एक महत्व की बात समझाना चाहता हूं, ये जीवन भर याद रहे तो बहुत अच्छा। हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अग्नि होती है और इस अग्नि को तीव्र करने के लिए अम्ल होता है, अम्ल एसिड। आप जानते हैं पेट में अम्ल बनता है, प्राकृतिक रूप से बनता है। अब पेट में तो अम्ल बनता है और भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि पेट में अम्ल दिया है और मुंह में क्षार बनता है, जिसको लार कहते हैं आप, लार, स्लाइवा, सेलिवा, लार, लाला रस, अलग अलग नामों से आप जानते हैं। तो मुंह में बनती लार, ये है क्षार, और पेट में बनता है अम्ल। आप थोड़ा भी अगर विज्ञान जानते हैं तो आप जानते हैं कि क्षार और अम्ल को मिलाओ तो हो जाता है न्यूट्रल। अम्ल और क्षार आपस में मिले तो न्यूट्रल होता है, माने सामान्य चीज बनती है, जिसको हम लोग कहते हैं लवण। एक लवण होता है नमक, वो अलग है, केमिस्ट्री के लवण की बात कर रहा हूं। तो अम्ल और क्षार आपस में मिलते रहे तो न्यूट्रल होते हैं। अम्ल का मतलब है जिसका पीएच 7 से कम है, और क्षार का मतलब है जिसका पीएच 7 के आगे है, और न्यूट्रल का मतलब जिसका पीएच 7 है। ये जो पानी है ना, पानी, ये ना अम्ल है ना क्षार है, ये न्यूट्रल है। तो बागवत जी कहते हैं कि पेट आपका अक्सर पानी के जैसा रहे तो बढ़िया, और जिनका पेट पानी के जैसा, माने पेट की अम्लता ना बढ़े और पेट का क्षारपन भी ना बढ़े, पीएच 7 के आसपास रहे, तो बागवत जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को 100 से ज्यादा वर्ष जीने की पूरी गारंटी है, बिना एक भी दवा खाए और बिना चिकित्सक के पास जाए। अब आपके पेट में अम्ल बन रहा है, मुंह में लार बन रही है, अगर पानी आप घूट घूट पीते हैं तो ये पानी के साथ लार मिलकर अंदर जाती है, और पानी एक साथ गटगट गटगट पीते हैं तो कम लार पानी के साथ मिलकर जाएगी। ये लार बन रही है अंदर जाने के लिए, बाहर निकालने के लिए नहीं, क्योंकि अंदर पेट के अम्ल को शांत रखना है, इसके लिए क्षार है। तो वो ये कहते हैं कि घूट घूट पिया पानी, अगर सिप सिप करके आपने पानी पिया तो ज्यादा लार अंदर जाएगी, तो अम्ल को शांत करने में मदद आएगी, इसलिए आपका पेट न्यूट्रल रहेगा और आपकी जिंदगी बिना किसी दवा और रोग के आराम से 100-150 साल हो जाएगी। इसलिए पानी घूट घूट भर के पिए, और एक साथ गटगट पानी पिएंगे तो लार पानी के साथ मिल नहीं पाएगी, तो अंतिम रूप में जब वो पहुंचेगा पानी तो खाली पानी होगा, और वो उतना
न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, पेट को उस तरह से सामान्य अवस्था में नहीं ला पाएगा। हालांकि पानी भी अम्ल को कम करता है, क्योंकि अम्ल में पानी मिलाओ तो अम्ल की ताकत कम होती जाती है, तो पानी कम तो करेगा, लेकिन लार के साथ जो पानी कम करेगा वो बिल्कुल अद्भुत होगा। भागवत जी आगे कहते हैं, बहुत ही महत्व की बात है ये सब आपके लिए। वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सिप सिप करके पानी पिए, वो देखें जानवर कैसे पीते हैं, चिड़िया कैसे पानी पीती है। चिड़िया एक ड्रॉप उठाती है, आप ध्यान देना, चिड़िया एक ड्रॉप उठाएगी, फिर उसको ऐसे ऐसे मुंह में चलाएगी, फिर पिएगी, फिर दूसरी ड्रॉप उठाएगी, फिर ऐसे ऐसे चलाएगी, फिर पिएगी।